नमस्कार, आइए आज हम आपको मिलवाते हैं हिंदुस्तान क्रांतिकारी दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती शांति देवी जी से। नमस्कार शांति देवी जी। शांति देवी जी, जनता आपसे ये जानना चाहती है, ये जो आपने हिंदुस्तान क्रांतिकारी दल पार्टी बनाई है, ये पार्टी आपने क्यों बनाई है? ये पार्टी बनाई है हमने महिला की रक्षा के लिए, महिला के अधिकार के लिए, देश के हित के लिए। नमस्कार, आइए आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाते हैं जो हिंदुस्तान क्रांतिकारी दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जिनका नाम है श्री धर्मपाल जी, जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए मैदान जंग में 3 बार सीना तान कर शत्रुओं से मुकाबला किया और अब 80 वर्ष की आयु में भी वे भारत माता के शत्रुओं जैसे भुखमरी, महंगाई, मिलावट, जमाखोरी, इन सभी चीजों के चंगुल से भारत माता को आजाद कराना चाहते हैं। तो आइए हम तहे दिल से स्वागत करते हैं भारत के वीर जवान श्री धर्मपाल जी का। धर्मपाल जी, आपकी पार्टी के उद्देश्य क्या हैं? हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि जातिवाद खत्म करना, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना जी, गरीबी खत्म करना, बेरोजगारी खत्म करना और रिश्वतखोरी जड़ से खत्म करना। हमारा इरादा है 600 हॉस्टल बनाने का पूरे देश में जी। और उन हॉस्टलों में एक हॉस्टल की कैपेसिटी होगी 5,000 बच्चों की, और पढ़ेंगे क्या, ट्रेनिंग लेंगे, जो भी टेक्निकल ट्रेनिंग, और वो भी बच्चे की इच्छा के अनुसार, जिसमें वो एक्सपर्ट या जिसको वो मानता है कि मैं तो ये पढ़ूंगा, वो ही पढ़ाया जाएगा, यानी ट्रेनिंग दी जाएगी उसी चीज की। कोई कंप्यूटर बनाना चाहता है, कोई घड़ी बनाना चाहता है, कोई फोन बनाना चाहता है, यानी टेक्निकल ट्रेनिंग उनको दी जाएगी जी। आज की पढ़ाई में क्या है, 20 साल ऐसे निकाल देते हैं बच्चों को, ये पढ़ाना वो पढ़ाना, और बाद में कोचिंग के नाम पर दुनिया भर का उनसे पैसा लिया जाता है, और गरीब आदमी नहीं कोचिंग कर पाता कॉलेजों में, उनमें कोचिंग सेंटरों में, एक एक साल में 2-2, 3-3 लाख रुपए रहते हैं। गरीब पहले ही गरीब है, पढ़ाई में ही बहुत खर्च हो जाता है, कहाँ से कोचिंग कराएं। हम बच्चे से ही, शुरू से ही उनको ट्रेनिंग दी जाएगी टेक्निकल। जब वो 10 साल तक पढ़ करके निकलेंगे, उसमें ट्रेंड होकर के निकलेंगे, कोई इंजीनियर बनना है, कोई क्रिकेटर बनना है, कोई लड़की अच्छा डांस करती है, हीरोइन बनना चाहती है, कहने का मतलब जो उसकी इच्छा है, जिसमें उसको टैलेंट अच्छा है, कर सकता है, उसको उसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी उन कॉलेजों में, उन स्कूलों में, उन ट्रेनिंग सेंटरों में। अगर कोई बच्चा थोड़ा कमजोर रह जाता है किसी, उसमें कंप्यूटर बना रहा है लेकिन थोड़ी सी और 1 साल की ट्रेनिंग दो उसे, जब तक वो बिल्कुल एक्सपर्ट ना हो जाए तब तक उसको बाहर नहीं किया जाएगा। और जब वो ट्रेंड हो जाते हैं तो एक लाइसेंस दिया जाएगा बच्चों को कि ये इस ट्रेड में ये फर्स्ट है, इस ट्रेड में ये काम कर सकता है। जहां भी उस लाइसेंस को दिखाया जाएगा, बैंक लोन देगा, गवर्नमेंट मदद करेगी, भाई घड़ी बना रहा है तो घड़ी के पुर्जे, फैक्ट्री तो नहीं लगा, बड़ी फैक्ट्रियों से उसके पुर्जे पहुंचा दिए, ले भाई इनको असेंबल कर, बन गई, वहां से उस माल को लिया, बाहर भेजा या हिंदुस्तान में खपाया, बेका, उसको उसके पैसे दे दिए। कंप्यूटर, मतलब इस प्रकार से गवर्नमेंट की तरफ से लोन की सुविधा, रॉ मेटेरियल की सुविधा, उसको वापस मार्केटिंग की सुविधा, और जहां जो बच्चा जहां का रहने वाला है, चाहे तो पहाड़ पर रह रहा है और चाहे किसी मैदान में रह रहा है, जहां उसका घर है वहीं सुविधा उसको उपलब्ध कराई जाएंगी। तो गरीबी दूर हुई नहीं हुई, जब एक ट्रेंड होकर के बच्चा निकला गरीबी दूर हो गई। दूसरे, जो 10 साल बच्चे एक साथ रहे, एक साथ खेले कूदे खाए, एक टेबल पर बैठ करके पढ़े लिखे, तो क्या उसमें जाति धर्म रह जाएगा? मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि कच्चे घड़े को किधर को मोड़ लो, पकने के बाद में टूट जाएगा, मरेगा नहीं। बच्चे हैं वो, उनको पता ही नहीं धर्म जाति क्या है, वो तो अपने पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक्सपर्ट होड़ लगी हुई है कि मैं इतना बड़ा इंजीनियर बन जाऊं, तो उनको कोई जातिवाद आपस में नहीं रहेगा। दो चीज खत्म होगी, तीसरी खत्म होगी रिश्वतखोरी, कि उनको अपने अधिकार का पता होगा कि हमारा अधिकार क्या है, इसका अधिकार क्या है। एक पटवारी जो
जो दाखिल खारिज नहीं करता है, 10,000 मांगता है, 20 मांगता है, लेकिन जब उनको अपने अधिकारों का पता होगा कि हमारे अधिकार क्या हैं, ये पटवारी किस लिए पटवारी बनाया गया है, इसको तनख्वाह क्यों देती है गवर्नमेंट, इसका काम है दाखिल खारिज करना, तो वो कोई पैसा नहीं देगा। एक बार कहेगा, दो बार कहेगा, तीसरी दफा फोन करेगा कि भाई ये नहीं कर रहा है, सब इकट्ठे हो जाओ, और सारे हजारों लाखों बच्चे वहां पहुंच जाएंगे, बच्चे क्या जवान होंगे, क्यों नहीं कर रहा है, तो उसको करना पड़ेगा। हिंदुस्तान क्रांतिकारी दल का मानना है कि जांच नहीं बैठा नहीं किसी भी घपले की, ये क्या करते हैं, जांच बैठा देते हैं उसको खत्म करने के लिए। राजीव की जांच बैठाई, राजीव मर गए, जिसने पैसा दिया वो भी मर गए 3-4 साल पहले, और जांच अभी भी चल रही है। उस जांच से देश को क्या फायदा हुआ, गरीब को क्या फायदा हुआ, नो जांच। हम बोलेंगे बेटा आ जा, तैने इतना पैसा किया है ना बराबर, पहले तो उन पैसा ने दे दे, हम जांच वांच ना बैठाते, उन पैसा ने दे करके तू 10 हॉस्पिटल बना दे, 1,000 मकान बना दे पक्के गरीबों के लिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा, तेरे को फांसी दे दें या सजा दे दें, बता देश का क्या फायदा होगा, गरीबों का क्या फायदा, उस पैसे लिया पहले, बाद में देखेंगे। जब वो पैसा लेकर के सारा की बाबूजी ये लो, मैं इतने हॉस्टल बना रहा हूं, हमें खजाने में जमा नहीं करना, बना दे, इतने मकान बना रहा हूं बना दे, हमने कोई वो नहीं करना, बना देता है, ठीक है जा भग जा, कोई सजा से कोई फायदा नहीं। रह जाता है पॉइंट ये कि जो हमारा पहले ही बाहर भेज दिया पैसा, भाई वो तो हिंदुस्तान में था लिया, लेकिन जो बाहर जमा कितने कितने हजारों लाखों लाखों करोड़ बाहर जमा है। अच्छा क्या हुआ था कि पूरे कंट्री की मीटिंग हुई थी, एक संस्था है ना, पूरा इकट्ठे होते हैं सब पूरे देश, तो वहां पे एक क्वेश्चन रखा था कि भाई ये जो स्विस बैंक है इसमें किस देश का कितना कितना पैसा है और किस आदमी का है। उन्होंने बोला जी 15 दिन का टाइम चाहिए, वहां का जो प्रधानमंत्री था, 15 दिन बाद में उसने पूरे अपने सब बुलाए, बैंक मैनेजर वो पता किया कि इतना 1,000 करोड़ फला देश का है, फला आदमी का इतना करोड़ है, पूरी वो उसने लिस्ट दे दी। अब जितने कंट्री थे वो तो सब लिया है, हिंदुस्तान क्यों नहीं लिया, हमने क्या करना है, उनको बुला करके नाम तो है ही ना, पूछने की जरूरत नहीं दोबारा, स्विस बैंक ने दिया, हम कहेंगे भैया आ जा बैठ जा, अब देख तेरा इतने 1,00,000 करोड़ रुपया स्विस बैंक में पड़ा है, भाई तू मर जाएगा, कोई गोली मार दिया, कोई वैसे मर गया, अपनी मौत मर गया, तो पैसा वहीं रह जाएगा, तू बता भी नहीं पाएगा बच्चों को, उनको फायदा वो दूसरे देश उठाएंगे, तू ऐसा कर जितना तुझे चाहिए उतना तो तू रख, और बाकी पैसे से ये गरीबों का भला कर दे, हॉस्टल बना दे जिसमें बच्चे पढ़े जाएं, और ये मकान पक्के कर दे। तो मेरे ख्याल से अब तो तेरे को दुष्ट समझते हैं, दानव, लेकिन जब तू मकान बना देगा, 1,000 तने आदमियों के 1,00,000 मकान बना दिए, तो वो कहेंगे ना देख कितना अच्छा है, उनकी आत्मा से ये दुआ निकलेगी ना कि देख उसने हमारे मकान बना दिए, उनको उस चीज से जरूरत नहीं है किसने कैसे कमाया था, तो देवता बन जाएगा नहीं। देवता कहते हैं जो किसी को कुछ दे, दान दे, ज्ञान दे, कुछ भी दे, उसको देवता कहते हैं, तू दे रहा है ना, कैसे कैसे तेने इकट्ठा किया, लेकिन दे रहा है ना, देवता बन गया ना, बन गया दुनिया के गरीबों के दिल में। फिर भी अगर कोई आदमी ना ले आया, कोई ऐसी बात होगी कि पैसा ना आया, या हो सकता है पहले ले आए हों, तो हम क्या करेंगे उस समय, काम तो करना है, जीत है हार है कोई भी, उससे कुछ लेना देना नहीं, काम तो हमारा शुरू है शुरू रहेगा। हम क्या करेंगे, हमारे गरीब किसान और गरीब जनता 80 करोड़ है हिंदुस्तान में, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, अरे भैया 100-100 रुपया दे दो, ये हॉस्टल बनाने हैं बच्चों के, तो मेरे ख्याल से 100 रुपया हर आदमी दे देगा दान में, तो कितने हो गए 80 करोड़ के गुणा 100 कितने हो गए, हॉस्टल बन जाएंगे, हॉस्टल बन जाएंगे, बच्चे पढ़ने शुरू हो जाएंगे, फिर दान ही बहुत देश में, अरे अच्छे काम के लिए दुनिया दे देगी, दे देगी ना, दे देगी, दे देगी।
वो दानी जो वो दे करके अगर थोड़ा बहुत कम रहेगा तो वो कर देंगे। 100 रुपया तो वो किसानों ने गरीबों ने दिया तो वो हो सकता है 1,000-2,000 लाख दे दें। तो वो हमारा काम जो है वो शुरू है और चलता रहेगा। अब रह जाता है इतनी महंगाई। देखो इसका एक कारण है कि हम डीजल पेट्रोल इतना महंगा देते हैं कि किराया इतना हो जाता है कि उसी कीमत से दुगना तिगना किराया बन जाता है क्योंकि डीजल महंगा है। और उस महंगा डीजल क्यों है कि अपने लोग में यहां से ना निकाल करके बाहर से इंपोर्ट करते हैं क्योंकि इनको कमीशन मिलता है। अगर ये अपनी जमीन से निकालें जो हिंदुस्तान तैर रहा है, जब हम छोटे छोटे थे तो ब्रह्मी सैल होते थे, पूरे हिंदुस्तान ब्रह्मी सैल, अपने देश की पूर्ति होती थी और अंग्रेज भी ले जाते थे बाहर। आज क्या ब्रह्मा कहीं चला गया, छोटा टुकड़ा ही तो कटा है, बाकी तो सारा हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की इनकम सेल टैक्स, इनकम टैक्स, फैक्ट्रियों की, दुनिया भर की कितनी इनकम है, कितने लाख करोड़ डॉलर है आज की डेट में, डॉलर की ज्यादा कीमत है ना, कितने लाख करोड़ डॉलर की इनकम है पूरे देश की। उसमें से 45% चला जाता है तेल डीजल पेट्रोल खरीदने के लिए। और रेट आज क्या है, 80 रुपया लीटर पेट्रोल के, 50 रुपया लीटर डीजल के। हमने तो 2.5 रुपया लीटर डीजल खरीदा था जब शुरू शुरू में अंग्रेजी हुकूमत में। तो महंगाई जब हम यहां से निकालेंगे और 10 रुपया लीटर डीजल देंगे या 15 देंगे या 20 देंगे तो अपने आप कम हो जाएगा महंगाई, अपने आप कम हो जाएगी, अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। ये सारा रिश्वतखोरी जमाखोरी उनसे ये सब चल रहा है। जैसे फाइटर हेलीकॉप्टर राइफल तक बाहर से मंगाते हैं क्योंकि कमीशन मिलता है। जब रॉकेट बना करके तुम आसमान में मंगल ग्रह पे भेज सकते हो तो क्या यहां फाइटर नहीं बना सकते, पनडुब्बी नहीं बना सकते, समुद्री जहाज नहीं बना सकते, राइफल नहीं बना सकते? क्यों? सिर्फ कमीशन के लालच में इंपोर्ट करते हैं। क्या बिजली, देखिए बिजली की कमी है, कमी नहीं है, बहुत बिजली है, कमी करती जाती है। बिजली के लिए जो प्लेट होती है, जो शीशा जिससे बिजली बनती है, बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्या उनको नहीं बना सकते? उनको बना करके और हर बिल्डिंग पर लगा दो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, अपने आप समस्या सोल्व हो जाएगी ना, पर नहीं करते, बाहर से मंगाते हैं, क्यों? कमीशन मिल जाता है। जिस दिन हमने इंपोर्ट बंद किया और ये विद इन 1 ईयर्स बिल्कुल एक बैरल बाहर से नहीं मंगाएगा हमारा क्रांतिकारी दल, ये गारंटी है। हम अपने यहां से मशीनें तो खरीद सकते हैं ड्रिलिंग की और वो कम होंगी तो, लेकिन एक बैरल भी डीजल पेट्रोल या गैस का बाहर से नहीं खरीदेंगे। जब इतना पैसा हमारा बचेगा तो कहां समाएगा वो जो आज 45% बाहर चला जाता है। जब हम खरीदेंगे सारा पैसा तो हमारा उधर जा रहा है, तो जो डॉलर है वो नहीं आ जाएगा, क्या जरूरत है हमें? जब हम इंपोर्ट नहीं कर रहे, सारा पैसा आधी कमाई तो हमारी उधर जा रही है, थोड़ा बहुत तो इंपोर्ट करते ही नहीं। ये पटाखे सटाके घड़ी पड़ी चीन से आती है, अपने यहां बनाओ। जब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे हमें जरूरत क्या डॉलर की? क्या हमारे रुपया में कोई वो कांटे लग रहे हैं? एक कागज उनका, एक कागज हमारा है, 60 रुपया में क्यों? नो, सिर्फ यही कारण है महंगाई एकदम उड़न छू। क्योंकि देखिए बेटे सीधा सा बात है, प्याज चली कहां से? नासिक में उधर होती है ना प्याज वगैरह, वहां से एक ट्रक प्याज आई इधर को, किसान को तो मिला 10 रुपया किलो और भाड़ा लग गया उसका दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते 15 रुपया किलो। अगर कहें भाई इतना भाड़ा कैसे, अरे भाई डीजल के 50 रुपया लीटर हो गया, रोज बढ़ता है ना भाड़ा है? और कश्मीर में ले जाए उसे तो और 4 गुना हो जाएगा, महंगी होगी ना। अगर डीजल वो ही 5-6 रुपया लीटर में आ जाए, निकाल रहे हैं अपनी जमीन से, भाई जो खर्चा है वो खर्चा लग रहा है निकालने का, ब्याज का वो सब निकल दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कितना है, 10 रुपया पड़ जाएगा, 15 पड़, मतलब सस्ता हो जाएगा ना। आज तो जो इंपोर्ट होता है उस पर कमीशन दिया जाता है, फिर किसी को कमीशन तो नहीं देना? जिस किसान के खेत से वो डीजल निकल रहा है, गैस निकल रही है, क्या किसानों में विद्वान नहीं है?
क्या किसानों में उनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं? हमारे जो किसान के बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं, आज की डेट में इंजीनियर हैं, हर प्रकार की उनको अगर सुविधा दी जाए तो वो उद्योग भी लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरा काम होगा कृषि को उद्योग का दर्जा दिलाना, ताकि 100 बीघे वाला किसान अपनी खेती करे और 2 बीघे में एक छोटी फैक्ट्री डाल ले। अगर उसको लोन उपलब्ध कराया जाएगा और पूरी सुविधा दी जाएंगी तो देश अपने आप भगेगा। किसान 80% गरीब और किसान है देश में। 2 लाख के ट्रैक्टर के लोन के लिए दर दर भटकते हैं, 100 गज के प्लॉट पर 1 करोड़ रुपया का लोन दे देते हैं और 100 बीघे धरती जिसके पास है 100 बीघे उसको 2 लाख लोन के लिए ट्रैक्टर के लिए दर दर भटकना पड़ता है। कोई फैल का चार्ज मांगता है, कोई बस मांगता है। तो कृषि को उद्योग का दर्जा दिलाना। एक एक पार्टी एक एक दिन में 100-100 करोड़ खर्च कर रही है, हम तो 100 रुपया नहीं खर्च हो पाते, क्यों? हमने आज तक किसी से कोई ड्यूनेशन नहीं लिया है। अगर लेंगे तो हम भी उसी लाइन में खड़े हो जाएंगे जिसमें वो पार्टियां हैं। अपने जैसे भी करते हैं, पेंशन हो फौज की या किराया हो या जमीन से, जो भी करते हैं अपने पास से थोड़ा बहुत कहीं आने का, ट्रेनों में सफर करते हैं, बसों में सफर करते हैं, हेलीकॉप्टर में नहीं जाते, जहां भी जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि महंगाई एकदम से खत्म, एक डीजल पेट्रोल का आयात बंद करने से कोई महंगाई नहीं रहेगी। हमारा उद्देश्य इन सब चीजों को खत्म करना है, हिंदुस्तान क्रांतिकारी दल का, और करके दिखाएंगे। पहले तो एक चंगेज खान आया था हिंदुस्तान में, अब से कुछ सौ साल पहले 500-700 साल पहले है? पूरे देश को लूटता हुआ एक साल में और वापिस चला गया था, धन को ले गया था पूरा लूट करके। आज के सैकड़ों चंगेज खां हैं जो लूट रहे हैं और धन को बाहर भेज रहे हैं। इसमें सच्चाई है तो उन चंगेज खाओं से निपटने के लिए मैं तो कहता हूं कि ऊपर वाले को आना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान क्रांतिकारी दल की जो सबका मालिक है ना, ये हमारी आत्मा की आवाज आएगा। इस देश को बचाना है तो जरूर आएगा। इस देश में धर्मात्मा भी बहुत हैं, कोई सभी डकैत नहीं है, बड़े बड़े धर्मात्मा हैं, दानी भामा शाह हैं। लोगों को विश्वास नहीं, किसका भरोसा करें? तो ये देश की विडंबना है। और अंत में मेरी बुद्धिजीवियों से, हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों से, क्रांतिकारियों से, देश के अच्छे विचार रखने वालों से, देशभक्तों से करबद्ध प्रार्थना है कि युद्ध रूपी जंग जो चल रही है अभी पार्टियों के आपस में, इस जंग में कूद जाएं। हिंदुस्तान क्रांतिकारी दल के नाम पर फ्री टिकट आप 10-10 करोड़ में, 2-2 करोड़ में टिकट बिक रहे हैं तो क्या वो 50 करोड़ नहीं कमाएंगे? नो शुल्क 1 रुपया भी टिकट लें और देश हित में काम करें, जीत का है और आपको जनता जिताएगी और मदद ऊपर वाला करेगा। टिकट लें और आहुति दें देश के ऊपर अपने प्राणों की और इस देश को बचाएं और एमपी चुन करके आए, देशभक्त कहलाएं। ये हिंदुस्तान क्रांतिकारी दल का उद्देश्य है, एजेंडा है। प्यारे भाइयों, अगर आपको लगता है हमारी नीति, हमारा आचरण या हमारे उद्देश्य अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप आए, आपका स्वागत है, गले से गले मिलें और इस देश को आजाद कराने में पूरा सहयोग करें जो हमारी नीति के मुताबिक। जय हिंद। हिंदुस्तान क्रांतिकारी दल कार्यालय A65 सेक्टर 34 नोएडा, फोन नंबर 9999 89 3885।